हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिले के सिकराई विधानसभा क्षेत्र में, और आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि महिलाएं खड़ी हैं। इन महिलाओं की कुछ समस्याएं हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या समस्याएं हैं, क्योंकि ये नरेगा मजदूर हैं। इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। कितने बजे आते हो आप लोग सब प्रतिदिन? हम 9 बजे आमा, 8 बजे आमा। टाइम फिक्स नहीं है, 9 बजे 8 बजे हाँ, आते हो? 8 9 बजे तक आ जामा पूरी लेबर। अच्छा, ये बताओ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों समस्या को? यह है, नरेगा में हम काम करा, ढोरन को बच्चों को छोड़ रहा हमा, हमें तो हमारी पूरी रेट नहीं देती सरकार। कितनी मिल रही है अभी हमको तो 150 की रेट मिलती है, आपको पता है कि सौ कितना की मिल मिलता रही है? है, कभी 100 की कभी 150 की। 100-150 रुपये हाँ, आते बस हैं। इतने ही आते हैं। 160 मिल जाए, 170 तो अच्छा, कभी भी ज्यादा पहुंच जाए। आप बताओ क्या क्या समस्या आती है? रेट की समस्या है कि और भी समस्या है? रेट की समस्या है, रेट की समस्या है। हाँ। और ये हम दो डांडा को छोड़ रहा हूँ तो रेट की समस्या है, और मतलब काम काज छोड़ के आते हो, काम 150 रुपये को छोड़ मिल रहा रहा है। हूँ, और 9 बजे आ जावा ना, भूखा पिसा, रोटी भी बच्चान को कौन करा, ये बड़ी पूरी समस्या समस्या है। है, घर बार छोड़ के बिजली आती की हैं। तो साफ आप सुबह बताओ कितने जल्दी आवा, बजे आते हो 8 बजे रोज? यहाँ फिका से यहाँ पे सैड पे आ जावा, आप आ जावा, ने खानो खावा, ने नावा, ने धोवा, और सुबह सुबह इसी जल्दी रहे, गोड़ो लगे वो, गोड़ो लगे वो, जे भी जैसे जल्दी भागनी पड़े, ने खानो ने कुछ नहीं है, ने नाड़ो ने धोनो, थोड़ा मतलब एब्सेंट लग जाएगी। एबसेंट लग रही है, जे का मारे जल्दी भागना पड़े हमको, यह है। और पैसा कुछ नहीं आ रहा है हमें, कितना मिल रहा है? ये कोई 150 बहुत बस, बहुत बस आ रहा है, 150 तो बहुत कम आ रहा है। और सुबह का आवा और 4 बजे जावा, यही बात। और माटी गल्ला खोद रहा है, या माटी देख लियो और या पहाड़ देख लियो, काम ज्यादा है, पैसा कम है। पैसा कम है। आपको पता है कि कितना सरकार ने कितना बांध रखा है, कितना पैसा मिलता है? हमको तो यही आ रहा है, हमारे पास तो 150। पता नहीं है कितना देगी हाँ, सरकार। हमको तो पता कोई ना भी, ये बात इनका ये मिल रहा है हमको साफ दिखा। अगर कभी रुकावट आएगी कि किसी भी महीने में पैसा नहीं आया हो? नहीं, है? नहीं आया, ये आया कि नहीं? कभी आया, नहीं आया क्या? नहीं, कौन है ये पीसा तो कर क्या मारा, पैसे ही नहीं रुके। जाता पीसा आका भी तो। चलो, तो ये अच्छी बात है कि पैसा रुका नहीं है इनका, और भी महिलाओं से बात करने की कोशिश हुई है। अरे आप बताओ, पैसे की समस्या है कि और भी कोई समस्या है? पैसा ही बहुत कमावे, डोरन छोड़ा, सेटन छोड़ा, अब 7-12 बजे करा लाइट क्वारी। ये महिला लाइट की भी थोड़ी समस्या बता रही, क्या कह रहे हैं? लाइट बहुत कम है, बिजली क्वारी, गेहूं भी सूख रहा है, और न सिंगल पेज दे रहा, न थ्री पेज दे रहा सही टाइम पे, बालक भी पढ़े, आखिर की में सब काम ही हो गए, बिजली सू तो लाइट काट रहा है, लाइट क्वारी पूरी। कितने कट रही लाइट? यहाँ 2-3 घंटा लाइट आवे, बस 8 बजे पीछे लाइट आवे, और फिर सुबह भी 9 बजे पीछे लाइट आवे। 4 बजे कट जाए, और देखा फावड़ी लुक गई, और रेट को नारी कत भी, और ना गोड़ा मारे भागा, और कते सब दिन माटी पटका, और जब भी रेट को नारी 100 रुपया 120, और ना नावा न ना दोवा, और फावड़ी लुक गई, इसे ना बारह भाटा निकल रहा है, गड्ढो जा बड़ा बड़ा, और जब भी रेट को नारी पैसे की समस्या, और 100 रुपया में खर्चा दबाया गए, का 100 रुपया सब दिन पड़ा रहा ना, मेहरबानी तो यही रोजगार है नरेगा को, नरेगा को 100 रुपया बाजार में लिया, 100 रुपया का चीज भी को नारी, और सब दिन ले रहा दे रही सरकार, बड़ी समस्या है। 100 रुपये में घर कैसे चले? और भी महिलाएं से बात करने की कोशिश करेंगे। दादी, क्या क्या समस्या आती है आप? क्या क्या दिक्कतें आ रही है भाई? जल्दी आ जावा, बाड़क ने छोड़ रहे, बाड़क परेशान, कोई कोई रोटी तो चूल्हा में, कोई चूहा में, सब कोई हाथ में खाता खाता या जावा, ने हाथ में चढ़ू भी बोला नहर के लिए करा तो वो भी नष्ट हो रहा है नरेगा के ऊपर, तो रेट तो आपको बढ़िया देनी चाहिए, हमारी इकाई हो जाए, बेचारी भूखी पिसाई ना पड़ी रहेवी। अगर सरकार से कुछ कहना चाहो तो क्या कहो? और ने भैंस को पानी पावे, रेट भी सही आनी चाहिए, बेचारे पैसा पूरा मिलना चाहिए, पैसा पूरा मिलना चाहिए, ना धो के आवे तो उनको वो भी बेचारी ना पड़ी रही, 4 दिन शाम की टाइम भी जा रही, ना धो रोटी खावे, हाथन सुखाती आवे, चलती आवे, तो रेट पूरी होनी चाहिए। पैसे की सबसे बड़ी समस्या है, पूरा पैसा नहीं मिल रहा। आप ये बताओ लाइट की समस्या बताए तो, लाइट की भी है 5 घंटा आवे, 5 घंटा का 4 घंटा लाइट नहीं आने से क्या क्या समस्या है? बच्चन की पढ़ाई को होए,
और कच्चे भी खेती सूख रही है, गेहूं है काई भी कुन हो रहा वो गेहूं फैन सब उनको छोटे नाजे नरेगा में तो नरेगा की भी रेट कुन आ रही 231 की रेट है, 200 भी कुन आ रहा 150 रेट आ रही है, और सुबह बस और सुबह 9 बजे और 5 बजे तन पीड़ा रहे ना सार दिन। मुझे एक चीज और बताओ, आप लोग सरकार मोबाइल दे रही है महिलाओं को, जो दे रही है कब दे रही है पता तो है, पर दे तो रही को नहीं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब मिले, सुना तो है कोई, हां इस सब सुने तो है भाई दे रहे, पर इस कब पता कौन कब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कब 1 तारीख की कहे, कब 15 तारीख की। और भी महिलाएं से बात करने की कोशिश करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा आप भी आगे आओ, अनौरी बोला दोनों बोला गया, आप बताओ, आप बता मो को तो लेट की समय ज्यादा, और लेट की कैसे समस्या होता, मारा सिगरेट चूल्हा पे पड़े चूल्हे पे बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ते हैं 9 बजे तक लेट को, शाम की मोड़ा देता है और सुबह भी मोड़ा देता है, ये हम तो यहाँ की अर्थ करा और मैं रेट पूरी आनी चाहिए जी, एक तो पैसा और एक लाइट, जो रेट मारा 10 सुम पड़ रहा है जिनकी बकवन हो रही पढ़ाई, बोर्ड भी है, बोर्ड की है, कोई 12 में कोई 10 सुम में, ये हमारे तो से मिनशा हाथ जोड़े की यार जाए या पूर्ति करें। मैं सरकार से एक विनती कर रही है महिला कि एक तो लाइट और जो नरेगा का जो पेमेंट है वो इनकी जो मेहनत है वो पूरा मिले, और भी महिलाओं से बात करते हैं। आपने मोबाइल के बारे में सुना है क्या, सरकार मोबाइल देगी? सुना है, मोबाइल मिलेगा, तो इंतजार है कि कब मिलेगा कुछ पता करते हो को? हाँ इंतजार है ना हमको कि मोबाइल मिलेगा, लेकिन पता नहीं कब मिलेगा वो मोबाइल, सुन ही रहे हो मतलब? सुन ही रहे हैं दुनिया के मुंडो पे की मोबाइल मिलेगा। आप छोटे बच्चे को लेकर, आप नरेगा में काम करती है, हाँ सर, क्या दिक्कत है जैसे पूरी महिला अभी इनको लेके आते हैं जाड़ों में, और हमारी जी रेट भी नहीं आती है, 150 रुपए रेट आती है, ये कोई रेट है क्या, 150 रुपए का तो 100 रुपए का तो साबुन भी नहीं आता है लगाने का, साबुन भी नहीं आता, सब्जी भी नहीं आती है। अच्छा आपको पता है कि दोसा में जब मजदूरी करने के लिए आती है उनकी रेट कितनी है? 350 हाँ उनकी तो 300-400 रुपए होती है, हमारी तो 150 ही है यहाँ पे, यहाँ से अच्छा है वहाँ ठीक है। हाँ तो ये महिलाओं की पीड़ा है, ये नरेगा मजदूर हैं, इन्होंने 3 मुद्दे ऐसे बताए हैं जिन्हें सरकार से गंभीरता से लेना चाहिए, और गंभीरता से इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि ये सिकराई विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश। इन्होंने कहा है कि जो मनरेगा में जो मजदूरी है वो पूरी मिले, जो लाइट है जो कटौती चल रही है जिससे बच्चों का भविष्य जो खराब हो रहा है उसमें कमी आएगी, लाइट पूरी मिलनी चाहिए, और जो मोबाइल सरकार जो महत्वाकांक्षी योजना है मोबाइल की फ्री, सीएम अशोक गहलोत कई बार मन से कहते हैं कि हम महिलाओं को फ्री में मोबाइल दे रहे हैं, दे तो रहे हैं कब दे रहे हैं समय का पता नहीं। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।